दोस्तों, भारत के सबसे करीबी नेपाल चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा नेपाल की खासियत है कि अन्य देशों के अलावा यहाँ पर अपराध दर बहुत ही कम है। नेपालियों के अलावा यहाँ भारतीय भी रहते हैं। ज्यादातर लोगों का विदेश घूमने का सपना होता है, लेकिन यह सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि बाहर घूमने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जहां आप कम पैसों में भी आसानी से घूम सकते हैं। नेपाल उन्हीं देशों में से एक है। नेपाल की खूबसूरती देखने लायक है। यहां की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहां घूमने आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यह देश हिंदू और बौद्ध धर्म की विरासत का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर पोखरा तक घूमने के लिए कई जगह हैं। लेकिन जब बात नेपाल ट्रिप बनाने की आती है तो कई लोग अपनी जेब देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ आप कम बजट में भी घूम सकते हैं। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में पता है, ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी खास दार्शनिक स्थल आपसे छूटे नहीं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यमलोक गाथा को आज ही सब्सक्राइब करें। कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले एक सवाल दिमाग में आता है कि कैसे जाएं, और जब बात विदेश जाने की होती है तो काफी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन नेपाल जाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सस्ते में नेपाल पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले गोरखपुर जाना होगा। दिल्ली से गोरखपुर ट्रेन जाती है, वहां से आप नेपाल के लिए बस कर सकते हैं। यह नेपाल पहुंचने का सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल के लुम्बिनी में है, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को गोरखा कहा जाता है। अपनी प्राचीनता से हमेशा यह लोगों के मन में उत्सुकता जगाता आया है। सबसे पहले नंबर पर है पोखरा फेवा झील के पास बसा पोखरा। नेपाल का सबसे चर्चित पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और न भूल पाने वाला नजारा आपको इसकी शांत लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा स्तर के द्वार के नाम से भी मशहूर है, और यहां आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। नंबर दो, काठमांडू, जहां आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नजारा देख पाएंगे। यहां आपको ट्रैकिंग से संबंधी आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएगी। यह जगह सिर्फ रोमांचकारियों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहां हिंदू मंदिर, पशुपतिनाथ बौद्धों का बौद्धनाथ व स्वयंभू नाथ है। यहां आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी छक सकते हैं। नंबर तीन, भक्तपुर वास्तुकला व हिंदू मंदिर के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। आपको यहां बहुत से मंदिर देखेंगे जो अपनी वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। यहां खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं जैसे मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि चीजों की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। नंबर चार, पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल की सबसे पुरानी, सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर स्थित है। नेपाल की पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित इस मंदिर के करीब बागमती नदी बहती है। कट्टर हिंदू अनुयायी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक पर जाते हैं। यह नेपाल में सबसे अधिक अनुशंसित पर्यटन स्थलों में से एक है। यह उन मंदिरों में से एक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर पांच, बौद्धनाथ काठमांडू से 7 किमी उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। स्थानीय साथ ही तिब्बती तीर्थ यात्री ध्यान के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका भाव स्तूप है, जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है।
यह स्थान बाहरी इलाके में है। नंबर 6, स्वयंभू मंदिर। शंखवाकार की पहाड़ी के ऊपर स्थित स्वयंभू मंदिर नेपाल के लोकप्रिय पवित्र मंदिरों और पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इस भीड़ के बारे में कई किंवदंतियां हैं। नंबर 7, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिल वस्तु क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण माहौल ध्यान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने मंदिरों और स्मारकों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं और लुम्बिनी शहर अन्य पर्यटक स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड यमलोक गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें।